नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है IFCI लिमिटेड, जिसको हम पहले इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते थे। बेसिकली इसकी फुल फॉर्म भी है। तो अभी के लिए देखें, ये स्टॉक जो है 39.06 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है एंड मार्केट में इसने 1.86% का डाउन मूव दिया है। थर्सडे को मार्केट कैप है इसकी 9871 करोड़ की। प्रमोटर होल्डिंग 70.30 है। बुक वैल्यू इसकी 15.10 है। डिविडेंड यील्ड इसकी है नहीं, ये डिविडेंड देता नहीं है। फेस वैल्यू इसकी 10 है। फंडामेंटल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी एंड आप देख सकते हैं उसको। वेरी फर्स्ट वीडियो में फंडामेंटल्स एक्सप्लेन किए होंगे। अभी के लिए देखिए शॉर्ट में, तो ये गवर्नमेंट का स्टॉक है, गवर्नमेंट की NBFC है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है गवर्नमेंट की। एंड ये स्टॉक 50 DMA से नीचे एंड 200 DMA से ऊपर ट्रेड कर रहा है। पी रेशियो की बात करें तो यहाँ पे दिखाई नहीं गया, अगर मैं कैलकुलेट करने लगूँ तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो अभी के लिए छोड़ देते हैं, अपडेट हो जाएगी जल्दी। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो वो इंटैक्ट है कुछ टाइम से एंड सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज हुए हैं, होपफुली इंक्रीज हो जाएंगी। अभी के लिए चलते हैं हम इसके चार्ट पे। चार्ट पे देखिए, कहीं ना कहीं हमने जो यहाँ पे टारगेट लेके चले थे, हालांकि ये सस्टेन नहीं किया ऊपर, बट कहीं ना कहीं टारगेट जो लेके चले थे 41 और 42 के बीच में ट्रेड करेगा, तो 41.30 पे ये टच करके आया है। तो कहीं ना कहीं हम उस टारगेट को अचीव करेंगे थे, सस्टेन नहीं किया वो अलग बात है, बट यहाँ पे जाके ये गया तो था, बट यहाँ पे सेलर्स का प्रेशर काफ़ी देखा गया है। एंड अभी जो ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है वो अपनी ये वाली रेजिस्टेंस के ऊपर कर रहा है। मैंने हमेशा बोला है कि कभी भी रेजिस्टेंस और सपोर्ट का एक नंबर नहीं होता है, हमेशा इसकी एक एक रेंज होती है। तो कहीं ना कहीं उस रेंज में ही ये स्टॉक आ चुका है ना। आई होप कि ये अब इसको सपोर्ट बना चुका है। यहाँ पे देख लेते हैं, इसकी विक तो कोई नहीं है अभी के लिए। जस्ट अ सेकेंड, मैं थोड़ा सा और जूम कर लेती हूँ। छोटी सी, बहुत छोटू सी यहाँ पे विक है जहाँ से रिवर्सल लेके आया है, तो मैं इसको मान लेती हूँ कि ये सपोर्ट पे बन चुका है अभी। एंड अभी के लिए अगर देखें हम, तो मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म की एंट्री ओपन तो होती है, बट बहुत सारा हमें कॉन्शियस होके चलना पड़ेगा। और इसका रीज़न ये है कि ये अप्रैल एंड मई में, 2 महीनों में पोलिंग होने वाली है, एग्जिट पोल्स आने वाले हैं, तो मार्केट बहुत सारे इमोशन से होके गुजरने वाली है, तो उन सारी चीज़ों को हमें ध्यान में ऑफकोर्स रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक बार चलते हैं हम BSE पे। इससे पहले तो BSE पे देखिए, प्राइस बैंड इसका 5% का है। मैं उम्मीद करती हूँ जल्दी इसका प्राइस बैंड चेंज हो। यहाँ पे न्यूज़ आई है छोटी मोटी, तो 27th को एक न्यूज़ आई है, न्यूज़पेपर पब्लिकेशन है जो इनकी मीटिंग है, एक्स्ट्रॉर्डिनरी जनरल मीटिंग जो है 18th को, उसकी न्यूज़ है। ठीक है, दूसरी न्यूज़ पे चलते हैं 27th की। तो दूसरी न्यूज़ है हमारी, यहाँ पे एक चेंज हुआ है इनके डायरेक्टर्स में, तो उसके बारे में न्यूज़ है। एंड यहाँ पे सारा कुछ उनके बारे में बताया है। श्री सुजीत कार्तिकेयन जो हैं उनको डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज का, DFS का। एंड उसके बारे में सारा कुछ यहाँ पे बताया गया है। एंड फाइनेंशियल ईयर भी चेंज हो रहा है, तो वो भी एक चीज़ रहेगी यहाँ पे। उन सारी चीज़ों को देख के इन्होंने कुछ ना कुछ डिसीजन लिए होंगे, तो यहाँ पे आप न्यूज़ खुद भी पढ़ सकते हैं। एंड एक और न्यूज़ है जो 28th को आई है, वो क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग विंडो है, जो यूजली हर एक स्टॉक का होता है, जब जब भी क्वार्टर एंड होता है तो उसके बाद का होता है। एंड यहाँ पे एक और चीज़ है, द डेट ऑफ बोर्ड मीटिंग टू कंसीडर एंड अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ ये, तो ये बेसिकली यहाँ पे कैलकुलेट किए जाते हैं बट बताए बाद में जाते हैं, तो इन्होंने बताया है विल बी इंटीमेटेड सेपरेटली, तो बाद में ये बताएंगे। एंड क्लोजिंग विंडो की क्लोजिंग का यहाँ पे न्यूज़ है। तो कोई ऐसा न्यूज़ नहीं है अभी के लिए जो इसके प्राइस के अप या डाउन मूव में किसी भी तरीके का फर्क डालेगा। तो अभी के लिए टेक्निकली देखें तो वेनसडे को वॉल्यूम आया था 16.15 मिलियन का एंड थर्सडे को वॉल्यूम आया 7.86 मिलियन का। वॉल्यूम ज़रूर कम हुआ है एंड वैसे भी 5% का बैंड है, तो वॉल्यूम यहाँ पे थोड़ा ड्राई ही चल रहा है इन दिनों। तो अभी के लिए टेक्निकली देखें तो मुझे लगता है शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म ज़रूर एंट्री ओपन होती है, बट शॉर्ट टर्म के लिए हमें एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि इसको रेंज को अगर कंसीडर करें तो ये सपोर्ट पे भी हो सकता है, बट ये रेजिस्टेंस भी बन सकती है क्योंकि बिल्कुल उस रेंज पे है। इस रेंज से थोड़ा ऊपर होता तो अलग बात होती, नीचे होता तो भी हम कंसीडर करते कि रेजिस्टेंस है, तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों बना हुआ है। तो यहाँ पे हमें शॉर्ट टर्म की एंट्री के लिए बहुत ध्यान से चलना पड़ेगा। अगर रिस्क नहीं लेना है तो मुझे लगता है कि यहाँ पे शॉर्ट टर्म की एंट्री बिल्कुल नहीं बनानी चाहिए, और अगर रिस्क फैक्टर के साथ चलना है तो मुझे लगता है यहाँ पे शॉर्ट टर्म की एंट्री बनाई जा सकती है, बट स्टॉप लॉस जो है ये रहेगा,
इसका बेसिकली, जस्ट अ सेकेंड, इसको मैं थोड़ा सा इलेबोरेट कर देती हूँ। तो स्टॉप लॉस जो इसका मुझे लगता है जो इमीडिएट रहेगा वो रहेगा ये वाला, और इसकी भी रेंज होगी पर ये वाला स्टॉप लॉस रहेगा 39 वाला। और अगर अभी एंट्री बनानी है तो मुझे लगता है 39 वाला स्टॉप लॉस रहेगा, हो सकता है उसके नीचे जाए, बट ये भी चीज़ ध्यान में रखना है कि 38.45 से ये रिवर्सल भी ले सकता है क्योंकि इसने सपोर्ट बनाया था, तो यहाँ से रिवर्सल भी ले सकता है। तो बहुत शॉर्ट टर्म अगर एंट्री बनानी है, पहले तो मैं बोलूँगी बहुत शॉर्ट टर्म बिल्कुल भी एंट्री ना लेके चले यहाँ पे, एंड थोड़ी लॉन्ग टर्म की अगर एंट्री लेनी है तो मुझे लगता है कि यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा नहीं, तो मैं यहाँ पे लेके चली हूँ कि मुझे लगता है कि मार्च के एंड तक, क्योंकि बहुत सारे वॉलेटिलिटी आनी है, बहुत सारे इमोशंस आएंगे, तो मार्च के एंड तक मैं ये लेके चली हूँ। हो सकता है इसके ऊपर चला जाए, बट 1 महीने का मैं, सॉरी मार्च के एंड नहीं, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, अप्रैल के एंड तक, ये कंफ्यूजन हो जाता है थोड़ा सा। अप्रैल 30 अप्रैल तक मुझे लगता है कि स्टॉक यहां तक होगा, और वो करेक्शन एंड एवरीथिंग के बाद, क्योंकि ये रेजिस्टेंस आनी है, ये तो बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस इसको फेस करनी पड़ेगी। तो अगर बैंड चेंज हो गया तो एक अलग बात है, तो हमें लगता है कि टारगेट बहुत जल्दी हम अचीव कर सकते हैं। अगर नहीं होता है तो मुझे लगता है कि यहाँ पे हर्डल्स के बाद, सारे ये कंसोलिडेट करने के बाद, करेक्शन के बाद, मुझे लगता है कि यहाँ तक ये पहुँच सकता है, और जो उसको पहुँचने के लिए हमें लगभग लगभग 12.30% के मूव की उम्मीद है। ठीक है, तो बहुत शॉर्ट टर्म की एंट्री के लिए तो यहाँ पे कंप्लीट नो नो है, क्योंकि ये अभी सारा बहुत उस पर रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट दोनों पे है। तो ये मेरी एनालिसिस है, कोई बाय सेल होल्ड की बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपनी एनालिसिस कीजिए, जानिए समझिए पढ़िए और फिर इन्वेस्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।